अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे अहम तब्दीली जो साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से हमारे अंदर आई है, यानी बेटर एटीट्यूड्स। एटीट्यूड के लिए उर्दू में एक लफ्ज़ रवैया है, लेकिन बिहेवियर या कंडक्ट को भी हम रवैया ही कहते हैं। थोड़ा सा फ़र्क बहरहाल इनके अंदर मौजूद है। एटीट्यूड ये होता है कि आप फील क्या कर रहे हैं, कोई इवेंट या कोई बात आपके सामने कही जा रही है, पेश आता है कोई इवेंट आपके सामने, तो उस पर आप क्या फील करते हैं। मसलन अल्लाह ना करे आपके सामने किसी को चोट लग जाती है, अब आप अगर भागकर बड़े ध्यान से उसको पकड़ते हैं, उठाते हैं, तो आपका एटीट्यूड केयरिंग है। लेकिन अगर आप अनजान बनकर पास से गुज़र जाते हैं और बिल्कुल किसी किस्म की कोई फिक्र ज़ाहिर नहीं करते, तो ये केयरलेस एटीट्यूड कहलाएगा। तो बेटर एटीट्यूड्स में हम ये देखेंगे कि किस तरह साइंस ने हमारे एटीट्यूड्स को भी तब्दील किया है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट। तो एटीट्यूड से मतलब ये हुआ कि किस तरह कोई ख़्याल या कोई बात या वाक्या किस अंदाज से हम उसको महसूस करते हैं, ये हमारा एटीट्यूड कहलाता है। अब आगे एग्जांपल दी जा रही है। इफ़ अ पर्सन बिलीव्स, अगर एक आदमी का ये मानना है, वो इस बात पे यकीन रखता है, दैट वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म के किसी भी किस्म का तावीज़ वगैरह चार्म उसके पहनने से विल प्रिवेंट हिम, ये तावीज़ पहनना उसे बचा लेगा फ्रॉम हैविंग बैड लक, बदकिस्मती से ही विल वियर द चार्म, तो वो उस तावीज़ को ज़रूर पहनेगा। तो अगर किसी शख्स का यकीन बन गया है कि ये तावीज़ पहनने से वो बदकिस्मती से महफूज रहेगा, तो वो उस तावीज़ को ज़रूर पहनेगा। एंड विल फील अनकम्फर्टेबल विदाउट इट, और इसके बगैर बहुत ही बेचैन और बेसकून महसूस करेगा। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जिस तरह के जो हमने तावीज़ वगैरह पहने होते हैं, अगर कभी हम भूल जाएं पहनना, तो फिर काफ़ी बेसकूनी सी महसूस करते हैं। फीलिंग्स, ये एहसासात विच इन्वॉल्व फियर्स, जिसके अंदर खौफ शामिल हैं, सच एज दिस, इस तरह के आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। तो ये फीलिंग्स कहलाती हैं तवहुमात, सुपरस्टिशंस। तो आप इसको बेसलेस फियर्स भी कह सकते हैं, बेबुनियाद खौफ, क्योंकि इन सब खौफ की कोई सॉलिड रीज़न तो नहीं होती है। सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव, जो तोहम परस्त लोग होते हैं, वो यकीन रखते हैं इन साइंस, मुख्तलिफ अलामात में, ऑफ गुड और बैड लक, कि ये गुड लक की साइन है और ये बैड लक की साइन है। तो आपने देखा होगा सम ऑफ दीज साइंस आर वेरी करंट इन आवर सोसाइटी, कम्युनिटी में आप देखते हैं कि कुछ साइंस हमने बनाए हुए हैं कि गुड लक के हैं, जैसे
पैसा आना हाथ में ख़ारिश हो, और ऐसे कुछ बैड लक के भी हैं, आँख फड़क रही है तो दिस गोइंग टू हैपन समथिंग रॉन्ग। और एक वो औरतें कहती हैं कि आटा गूंथते हुए वो गिर जाए बाहर, या कौवा बोले तो मेहमान आते हैं। अब ये पता नहीं गुड लक का साइन है या बैड लक का, ये तो हम पे डिपेंड, या मेहमान पे भी डिपेंड करता है कि मेहमान किस किस्म के आए हैं। तो बहरहाल इस तरह की बहुत सारी बातें हमारी सोसाइटी के अंदर अब भी एग्जिस्ट करती हैं, एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, और उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं बाय सच साइंस, ऐसी अलामात से। तो एक ज़माने में तो आप देखते ही हैं, वो कुछ भी बड़ा काम करना होता था तो फौरन नजूमी वगैरह जो हैं, फॉर्चून टेलर, उनको बुलाया जाता और उनसे राय ली जाती, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन। एक वो प्रोफेसर भी बैठे होते हैं, अक्सर आपको नज़र आते होंगे गली और बाज़ार में, बंगाली बाबा। तो प्रोफेसर निकला है असल में ये प्रोफेसी से, प्रोफेसी का मतलब पेशगोई होता है, पेशगोई करना भी होता है, वर्ब भी और नाउन भी है। तो ये वो प्रोफेसर साहब होते हैं जो आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं, फॉर्चून टेलिंग करते हैं। तो आप देखते हैं कि एक ज़माने में इनका बहुत ज़्यादा असर और रसूख था, कुछ भी बड़ा करना होता, अहम करना होता तो इनको बुलाया जाता, बादशाह अपने फ़ैसलों के बारे में इनसे राय लेते, जंगों पे जाने के लिए, रिश्ते वगैरह करने के लिए। तो अभी देखिए शुभ घड़ी जो है वो निकाली जाती है। तो ये सूरत हाल थोड़ी ज़्यादा थी पास्ट में, अब क्या सूरत हाल है। सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग नाउ ओवरकम, अब ओवरकम डोमिनेट करना, कंट्रोल करना। तो ये जो तवहम परस्त अकीदे हैं इन पर अब काबू पाया जा रहा है बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, जब से हमने साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करना शुरू किया है टू डेमोंस्ट्रेट, ये दिखाने के लिए दैट देयर इज़ नो साउंड बेसिस फॉर देम, साउंड सॉलिड फाउंडेशन कोई नहीं है। तो ये बेसलेस हैं और कोई ठोस बुनियाद इनकी नहीं है। फ्यू पीपल टुडे, फ्यू का मतलब ना होने के बराबर, फ्यू पीपल टुडे बिलीव, आजकल ज़ाहिर है लोग यकीन नहीं रखते ऐसी बातों पर, या बहुत कम तादाद में लोग ऐसे हैं जो कहते होंगे दैट डिजीज़ आर कॉज्ड बाय ईविल स्पिरिट्स, कि बीमारियां फैलती हैं बदरूहों से। तो बीमारी के फैलने का सबब, अभी हम पीछे बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ में पढ़ रहे थे कि साइंस का सबसे बड़ा काम ये है कि उसने हमें बता दिया कि बीमारी फैलती कैसे है। तो साइंस बीमारी को ले आई हकीकत की दुनिया में और वहीं पे उसका इलाज ढूंढा जाने लगा। फिर उससे पहले लोग बिलीव करते थे कि शायद ये कोई और दुनिया से आती हैं और इवल स्पिरिट्स से फैलती हैं। दो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, अगरचे ये एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम एक एस्ट्रोनॉमी होता है, उसमें माहिर फलकियात होते हैं और वो पढ़े लिखे होते हैं, ज़ाहिर एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड्स के, और साइंटिफिक इल्म है वो, तो जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, सितारों का इल्म, हेवनली बॉडीज़ का इल्म, इल्म फलकियात। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये है सितारों का इंसानी ज़िंदगी पे असर, इल्म नजूम। तो ये इनकी मूवमेंट का बकौल उनके हमारी ज़िंदगियों पर असर होता है। तो ये इल्म एस्ट्रोलॉजी या इल्म नजूम कहलाता है। तो दोनों में फ़र्क है, एस्ट्रोनॉमी इल्म फलकियात जो साइंस से बकायदा, और एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम। तो आपने इनकी बातें अगर सुनी हो तो इस तरह कह रहे होते हैं कि ये आपका वो सितारा या सैारा उधर को मूव कर गया है और अब ये फलां घड़ी शुरू हो गई है, अगले महीने तक ये निकल जाएगा स्पीड, यानी उनकी मूवमेंट्स
हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज कैसे होती हैं, ये कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। तो ये इल्म नजूम एंड फॉर्चून टेलिंग और किस्मत का हाल बताना आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, अभी ये माशरे में चल तो रहे हैं। दे डू नाट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज़ मैनी पीपल, लेकिन अब वो इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर नहीं करते एज़ दे वंस डिड, जितना वो पहले कभी किया करते थे। यानी कम हो गया है, साइंस के आने से लोगों ने ज़्यादा साइंटिफिकली और लॉजिकली सोचना शुरू कर दिया है चूँकि, लिहाजा अब वो इतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज नहीं होते। माजी के मुकाबले में सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। इट हैज़ बिन लर्न्ड, ये बात सीख ली गई है, दैट देयर इज़ ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीज़न फॉर एवरी थिंग दैट हैपन्स टू पीपल, कि लोगों के साथ जो भी वाकयात पेश आते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होती है, नेचुरल रीज़न होती है, कोई माकूल फितरी सबब होता है उसको उस वाक़े के पेश आने का। यानी इसमें इस बिल्ली के रास्ता काटने से बैड लक नहीं होती हमारे साथ, उसके पीछे कोई और रीज़न होती है। तो हम कहते हैं जी काली बिल्ली सुबह सुबह रास्ता काट ले तो ऐसा हो जाता है, बैड लक होती है। हो सकता है बिल्ली भी हमें देख के ऐसे ही परेशान होती हो, क्या सुबह सुबह इंसान का मुँह देख लिया, पता नहीं दिन कैसे गुजरते हैं। तो उसके पीछे कोई और सबब यकीनन होगा। एज अ रिज़ल्ट, तो इस बात के नतीजे के तौर पे मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट्स, अब लोग नहीं डरते काली बिल्लियों से, ब्रोकन मिरर टूटते हुए आइनों से, एंड द नंबर 13 और 13 नंबर से। तो ये तीनों चीज़ें बैड लक का साइन समझी जाती हैं। नंबर्स के भी कहा जाता है, कुछ लकी नंबर्स आते हैं, 7 को आमतौर पर लकी नंबर समझा जाता है और 13 को अनलकी नंबर समझा जाता है, या साइन ऑफ बैड लक समझा जाता है इसको। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक ज़माने में दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी अमेरिका में, तो उसकी जब स्टोरीज बन रही थी, फ्लोर बन रहे थे, तो उसको नंबर दिए जा रहे थे 1, 2, 3, 4। तो 13 को चूँकि बैड लक का साइन समझा जाता है, तो उन्होंने 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं रखा हुआ था उस पर, तो 12 के बाद नेक्स्ट जो फ्लोर था उसको 14 नंबर दिया गया था। ये भी सुपरस्टिशन ही एक आप कह सकते हैं इसको। बट साइंटिफिक मेथड, इट हैज़ बीन डेमोंस्ट्रेटेड, साइंटिफिक मेथड की इस वजह से ये बात साबित हो चुकी है, वाज़े हो चुकी है, दैट आइडियाज़ आर नॉट नेसेसरली ट्रू, कि कोई भी ख्याल या बात लाजमी नहीं कि महज इसलिए ठीक समझी जाए, बिकॉज दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि उस पे लोग काफ़ी अरसे से यकीन किए आते चले जा रहे हैं। यानी किसी बात को मैं इसलिए ठीक नहीं माना जा सकता कि चूँकि लंबे अरसे से लोग उसको ठीक मानते चले आ रहे हैं, लिहाजा ये अब भी ठीक होगी। और यही सबसे बड़ा इशू आमतौर पर आपको सुनने में आता होगा जब हम कोई ऐसी बात करते हैं किसी से कि ये तो दुरुस्त नहीं है, तो वो कहते हैं जी आप बड़े समझदार आगे और समझाने वाले आगे, हम तो कब से इसको ऐसे ही मानते चले आ रहे हैं। इस्लाम के शुरू के दिनों को अगर आप जहन में रखें, तो जब तबलीग की जाती मक्का के लोगों को, तो वो कहते हैं कि जी हम तो इन्हीं को मानते चले आ रहे हैं, बुतों को, और इसी तरीके से इबादत करते चले आ रहे हैं अपनी। आइडियाज़ मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाई फैक्ट, तो आपके जो भी आइडियाज़ या ख्यालात होंगे उनको सपोर्ट करना होगा फैक्ट्स की मदद से, इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल, ताकि वो काबिले कबूल बन सकें टू द साइंटिस्ट, साइंसदानों के लिए, और टू पीपल, या उन लोगों के लिए हु यूज़ द साइंटिफिक मेथड, जो साइंसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि साइंटिस्ट या साइंसी तरीक़ेकार इस्तेमाल करने वाले लोग हमारी बातों पर यकीन करें, तो माने हम अपनी बातों को, अपने ख्यालात को सॉलिड ठोस हकायक के साथ पेश करना होगा, उसके बगैर हमारी बात पर यकीन नहीं किया जाएगा। डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट, फिर जो दरियाफ्तें की हैं साइंसदानों ने, हैव हेल्प्ड पीपल डिवेलप
इन्होंने लोगों की मदद की है कि वो पैदा करें एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस। इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज हुई हैं जिसने हमारे सारी बिलीव्स की बिल्डिंग को हिला के रख दिया हुआ है। आप देख लीजिए, पिछली सदी से डार्विन की थ्योरी से लेके बेशुमार अब थ्योरीज आ चुकी हैं इसके बाद, तो हमें ओपन माइंडेड होना पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है कि आज हम जिस बात पर यकीन करके बैठे होते हैं उसको हम इस वक्त तो स्टिल ठीक मान रहे होते हैं, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ता होता है हर वक्त के लिए कि हो सकता है आने वाले दिनों में जिस नज़रिए पर आज हम कायम हैं ये भी गलत साबित हो जाए। तो साइंसदानों ने इतनी ज़्यादा इजादात जो दरियाफ्तें की हैं इससे लोगों में एक ओपन माइंडेडनेस या खुले जहन का सा रवैया जो है ये पैदा हो गया। वसीउ नज़री के रवैये को परवान चढ़ाने में मदद मिली है। दे आर मोर विलिंग, अब वो ज़्यादा तैयार होते हैं, रजामंद होते हैं टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स, नई सच्चाइयों की तलाश में, दैन टू अस्यूम, बजाय इसके कि फ़र्ज कर लिया जाए दैट वट हैज़ बीन कंसीडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू, कि जिस बात को अब तक अब ठीक साबित करते आए समझते आए हैं वो हमेशा ही ठीक रहेगी। तो बजाय इसके कि हम ये फ़र्ज़ कर लें कि जिस बात को आज तक हम ठीक मानते आए हैं वो आइंदा भी ठीक होगी, इसकी बजाय साइंटिस्ट अब नई सच्चाइयों की तलाश में, चाहे उसके लिए उनके पिछले नज़रियात को ठेस ही क्यों ना पहुँचती हो, वो नई सच्चाइयों की तलाश में हमेशा लगे हुए हैं। बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज़, चूँकि लोगों को अपने पुराने ख्यालात को तब्दील करना पड़ा है एज अ रिज़ल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज मेड बाई साइंटिस्ट, और युवक हुआ है उन दरियाफ्तों के नतीजे में जो साइंसदानों ने की हैं। ऐसी हैरान कन चीज़ें सामने आई हैं कि हमें अपने बहुत से नज़रियात जो हैं वो तब्दील करने पड़ रहे हैं। गैलीलियो की मिसाल आपके सामने है कि एक ज़माने तक 1500 कुछ में उसने ये किया, उसका ज़माना है, उससे पहले हम सब लोग यही मानते थे कि ज़मीन जो है ये मरकज़ इस कायनात का और पूरी यूनिवर्स, ये स्टार, ये सितारे जो भी थे ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड दैट अर्थ। लेकिन उसने आके एक बंदे ने हिला के रख दिया सारे हमारे उस इल्म की बुनियाद को, नज़रियात को, कि ये ज़मीन मरकज़ इस कायनात का बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी और बेशुमार बातें हुई हैं जिसने आके हमें एकदम सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो लोगों ने अपने ख्यालात और नज़रियात बहुत ज़्यादा बदले हैं, उनमें काफ़ी बदलाव आया है साइंसदानों की इन नई डिस्कवरीज़ के नतीजे में। दे आर लेस लाइकली, अब कम इम्कान है इस बात का टू एक्सेप्ट कंक्लूजन्स, के वो किसी भी नतीजे को तस्लीम कर लेंगे एज फाइनल, किसी भी नतीजे को हतमी और आखिरी नतीजे के तौर पर कबूल करने का इम्कान ना होने के बराबर है। यानी किसी भी बात का हतमी और आखिरी कह के कबूल नहीं कर सकते। इस प्रेजेंट टाइम तक जो कुछ गिवन डेटा हमारे पास है, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक तो आप इस बात को ठीक मान सकते हैं, लेकिन कल क्या होगा आप किस आइडिया के साथ या थ्योरी के साथ, इसके बारे में कुछ हतमी तौर पर कहा नहीं जा सकता है। तो आज हमारा ये लेसन टू कंप्लीट हुआ। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।